कहा है नहीं, पापों को दगत करने वाला मैं हूँ और मेरी याद, मैं कैसे हूँ वो भी बतलाते हैं कि मेरी, इसीलिए कहा नहीं मन मना भव। देखो गीता में भी है इसी मंत्र महामंत्र कि मन मना भव, ये गीता के शब्द है कि निरंतर मन मना का मतलब ये मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ, को दगत होगा और फिर पापों को दगत कर करके हम ऐसे अधिकार को प्राप्त करेंगे। ये सारा बुद्धि में रखने की बात है और इसी को ही कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ, मुक्ति को भी समझते हैं, जीवन मुक्ति को भी अभी समझते हैं। आना सबको है, सबकी स्टेज है जीवन मुक्ति की। हाँ, इसीलिए देखो दिखलाई हुई है इस प्लान में सहज है सबको। पहले पहले जब आते हैं तभी सब जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त का है पहला पहला जब आते हैं तो कोई दुख का बंधन है नहीं। फिर नीचे आकर के बनाते हैं नहीं, जब पाठ में आते हैं तो आते हैं सब, तो सब जीवन मुक्त, परंतु वो जीवन मुक्त भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्टेजेस में है। हम जो जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं वो सतोगुण, आना तो है ही, आना जरूर है, कोई कहे नहीं आए हो ही नहीं सकता, आना जरूर है। तो जब आना है तो क्यों नहीं स्टेज ऊंची में आना चाहिए, ये अकल का काम है ना भाई। कोई काम ऐसा बनना है ये होना ही है तो अकलमंद का क्या काम है, तो क्यों नहीं सतोगुण गोल्डन जीवन मुक्ति। एक है गोल्डन सिल्वर, फिर है कॉपर रजोगुणी, फिर तमोगुणी। तो जो पीछे आएंगे आएंगे भले वो जीवन मुक्त में आएंगे, यानी पहला दुख का जीवन में बंधन नहीं होगा, परंतु वो तमोगुण में आएंगे ना या रजोगुण में आएंगे ना, ये तो है सतोगुण सदा का सुख। तो बाप कहते हैं मुक्त तो सबको होना है, पाठ अभी मुक्त माना ही पाठ से मुक्त, तो अभी तो सबको होना ही है, वो तो मिलना ही है सबको, कोई चाहे या न चाहे मिलना ही है। और जीवन मुक्त भी होना ही है, परंतु सिर्फ पुरुषार्थ से क्या फायदा होता है, तो मुक्ति में हम सजाओं से छूट के जाते हैं। फायदा देखो क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का तो अनादि है, मुक्त भी सबको होना है और जीवन मुक्त में भी सबको आना है, समझा। जीवन मुक्त का अर्थ समझते भाई, जीवन में दुख का बंधन हो, तो जो पीछे भी आते हैं ना, पहला तो नहीं है ना, पीछे यहाँ जन्म लेकर के फिर हो जाते हैं, तो पहले तो कहेंगे सब जीवन मुक्त और जीव मुक्त है, परंतु ये तो होना है, उसमें हम का पुरुषार्थ का क्या फायदा है। तो पुरुषार्थ से हमारी स्टेज की मुक्ति में भी स्टेज है ना, क्या स्टेज है कि हम अगर सजाओं से छूट कर करके अभी जाएंगे तो हमारी मुक्ति की भी स्टेज ऊंची है, और मुक्ति की ऊंची है तो फिर हमारी जीवन मुक्ति की भी ऊंची है साथी है, क्योंकि हम सजाओं से मुक्त है तो फिर आएंगे फर्स्ट जीवन मुक्ति में, यानी गोल्डन एज जीवन मुक्ति में। तो ये हमारे पुरुषार्थ से तैलक की बातें हैं, बाकी जाना और आना ये तो चक्कर बंधा हुआ है, बाकी ये किसके साथ बंधा हुआ है, गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड ये सभी एजेस स्टेजेस, ये हमारे पुरुषार्थ। तो इसी के लिए बाप कहते हैं अभी स्टेज बनाने के लिए तुमको पुरुषार्थ रखना, बाकी तो कोई कहे कि हाँ मुक्त होना है तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ को तो जाना ही है, जबरदस्ती भी जाना है, नाक से दम निकाल के ले जाएंगे अब तो जाना ही है ना, जाना ही है सबको। देखो अभी दम निकालने के कर रहे हैं ना, ये सब डिस्ट्रक्शन की तैयारियां है ना, तो ये सभी अभी छोटा बड़ा बूढ़ा सबको, इसीलिए कहते हैं सभी आत्म मौत का भी ऐसा ही तरीका बनता जा रहे हैं जिससे सबको जाना है, सब आत्मा को। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं हम अभी छोटे हैं, बड़े होंगे बूढ़े होंगे पीछे की बात है नहीं, कहते अभी सबका मौत, इसीलिए बाप कहते अभी सभी वानप्रस्थी है, छोटा बच्चा है नहीं अभी, हाँ वो भी वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी का मतलब है कि वाणी से परस्थान जो है निराकारी दुनिया, अभी उसमें जाने का टाइम है, तो सबका टाइम है ना, छोटे बच्चे का भी अभी टाइम है। तो बाप बैठ के समझाते बच्चे अभी सब वानप्रस्थी, इसीलिए ये नॉलेज का अधिकार सबको है,
छोटे बड़े बूढ़े सबको, इसीलिए कहते हैं परिवार के परिवार हा? इस नॉलेज को उठा सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अभी वान परस्त है। ऐसे नहीं है ये तो छोटा बच्चा है अभी, इसकी तो अभी आयु पड़ी है, अभी तो खा पी ले, अभी तो दुनिया का ये कर ले। बाप कहते नहीं बच्चे, अभी सबका, छोटे बच्चे का भी अभी एंड है ना। तो ये चीजें समझने की हैं, इसीलिए कहते हैं अभी सबको अधिकार है बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना। तो जाना है नहीं अब सबको, इसीलिए कहते देखो ये अभी मैं तैयारियां कर रहे हैं कि आत्माएं जब शरीर से निकले तब तो फिर जाए ना, तो ऐसे ही थोड़े सब मर जाएंगे। कोई ऐसा काम चाहिए ना डिस्ट्रक्शन, जिससे ये शरीर सभी का फट फूट जाए और फिर आत्माएं अपना जो उनका है फिर चले। तो इसीलिए देखो अभी हम ऐसे नहीं है इतने सब मरेंगे तो फिर इतने सब जन्म लेंगे नहीं, तो ये सब मर कर करके अभी इनको वापस जाए, इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन का भी रखा हुआ है। भले लड़ाइयां तो समय प्रति समय होती रही है, बहुत मरते भी है, ये सब इत्तफाक होता है, लेकिन ये है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। ये तो हाँ कभी तूफान हुए, देखो अभी रामेश्वर पर तूफान हुए, कहीं बेचारे यहाँ मरे, कभी लाखें कहीं मरते तो है, परंतु वो जो है ना फिर भी पुनर्जन्म में चलते भी रहते हैं उनका सब। लेकिन ये तो अभी वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है, ये तो भारी, इसीलिए कहते अभी तो ये लॉस्ट है और इसी से फिर दुनिया। ये तो देखो इतनी लड़ाइयां होती है, इतने मरते भी है, ये संख्या भी बढ़ती जा रही है हा? वो तो हम अपना देख भी रहे ना इधर कि संख्या बढ़ती जा रही है, ये तूफान आते ये आते हैं वो आते हैं, भले मरते भी इतने हैं परंतु फिर भी संख्या तो देखो कितनी स्पीड गवर्नमेंट वो निकालती है नहीं अपना कि स्पीड कितनी इसकी है, जन्मते कितने हैं मरते कितने हैं, देखो एक हिसाब निकालते हैं, एक मिनट में इतने जन्मते हैं तो इतना कम मरते हैं, यानी उनका हिसाब है कि संख्या बढ़ती जा रही है। तो वो तो अभी फर्क तो ये है अभी संख्या कम होने का डिस्ट्रक्शन, तो ये डिस्ट्रक्शन भारी है, जिसको हिंदू शास्त्रों में परलय लिखा है नहीं, तो परलय का कई अर्थ समझते हैं कि एकदम खत्म भाई मनुष्य ही नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, मनुष्य तो होंगे ना, मनुष्य सृष्टि तो, परंतु हाँ कम, ये डिस्ट्रक्शन होकर करके फिर थोड़े मनुष्य रहेंगे, जिस थोड़े मनुष्य का फिर ये प्योरिटी का जो अभी कलम लगा है और उसी कलम से फिर जनरेशन पीछे जो पावरफुल होंगी वो प्योरिटी वाली और उसी से फिर ये दुनिया का चलेगा। तो ये सारी चीजों को भी समझना, इसीलिए बाप कहते बच्चे ये अभी समा जो है ना अभी ये मौत का है, इसलिए कहते छोटा बड़ा बूढ़ा अभी सबको वापस जाना है। तो अभी सबके लिए ये अधिकार है बाप को याद करना और बाप से अपना वर्षा लेना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति तो आना है, तो फिर क्यों नहीं हम अपना गोल्डन एजेड जीवन मुक्ति, वो फिर है रजोगुणी जीवन मुक्ति जो पीछे पीछे आती है, और फिर तमोगुणी हम आए तो फिर क्यों नहीं सदा सुख का प्राप्त करें। तो ये है बाप का अभी राय, मत देखो मत मिलती है नहीं कि बच्चे तुमको मत देता हूँ, राय देता हूँ जब आना है तुमको तो फिर पुरुषार्थ कर सके, क्यों नहीं गोल्डन एजेड हाँ बनते हो। इसीलिए कहते हैं वो कैसे बनो उसकी मत उनकी, इसीलिए कहा श्रीमत भगवत गीता, देखो शास्त्र के ऊपर भी नाम है ना कि श्रीमत भगवत गीता, तो भगवान ने जो बैठ कर करके नॉलेज सुनाया जिसको भगवत गीता गीत नहीं गाए हैं हाँ, उसने तो बैठ कर कर करके नॉलेज सुनाया, सुनाना होता है ये श्लोक भी जो है शास्त्र में वो संस्कृत श्लोक डाले नहीं कि भगवान ने बैठ कर करके संस्कृत भाषा में या संस्कृत श्लोकों में तो नहीं सुनाया, नहीं श्लोक तो सुनाने की नहीं तो नॉलेज है ना तो समझाने की बात ही है ना, तो श्लोकों में थोड़ी नॉलेज पढ़ाई जाती है नहीं, कोई भी नॉलेज है डॉक्टरी है इंजीनियरी है तो बैठ कर करके समझाएंगे करेंगे, उनमें तो हर एक बात समझाने की बात होती है ना, उसमें तो श्लोकों में बस कह दिया बस काम हो गया क्या, नहीं ये तो पीछे लिखने वालों ने बैठ कर कर करके वो गीता को श्लोकों में लिखा, फिर उस श्लोकों को भी फिर किन्नियों ने बैठ कर करके उसकी भी फिर टीकाएं की हा? जैसे गांधी गीता वो श्लोक तो ले लिया नहीं ये की परंतु उसकी बैठ कर करके टीका की अर्थात उनका अर्थ लिखा, जिसमें फिर गांधी गीता बन गई, तिलक गीता, टैगोर गीता, देखो कितनी गीताएं हैं, बहुत गीताएं है गीताएं, लेकिन गांधी तिलक फलारा फलारा जिन्होंने अपना अपना सब नया
उसका पैर करके अर्थ तो ऐसी तो बहुत एक बतलाया था नहीं, सन्यासी हमारे पास आया था तो कहता मैंने 200 गीताएं पढ़ी हैं, तो 200 तो पढ़ी और भी होंगी हा? उसने पढ़ी थी 200 गीताएं, गीता एक लेकिन उनकी देखो 200 गीता। तो कहा परंतु 200 पढ़ते भी अभी तक मैं गीता को समझ नहीं पाया हुआ हूँ और न मुझे कोई शांति अभी मिली हुई है। अच्छा तुमने पढ़ा उसे क्या हुआ? नहीं अभी पीस ऑफ माइंड, अभी कोई शांति मिली नहीं है, तो उसी के अभी हूँ। है सन्यासी, लाखों को स्पीच करता है, बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा लेकिन अपने को शांति नहीं है। तो बेचारे यार उन्हों को भी साधन कर रहे हैं, जिसको जैसा मिला है वैसा चलाते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें चलते, परंतु अभी इन्हीं सभी बातों से तो शांति मिलने की नहीं। शांति तो है शांति दाता के पास ना, मनुष्य के पास या ये शास्त्रों से कोई शांति का तहलीक नहीं है ना। शांति दाता ही शांति देगा, तो वो आकर के शांति कैसा देता है, तो उनके शांति का उपाय दूसरा है। वो खड़ी कहेंगे तुम गीता पढ़, तू ये करे, तू वेद पर, तू शास्त्र पर, तभी तुम्हें, वो तो अर्जुन पढ़ा हुआ था नहीं, बहुत विद्वान था शास्त्र आदि, तभी तो कहा नहीं देखो तुम पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन तुमको शांति कहाँ है, तुम्हारे विकार कहाँ गए हुए हैं, देखो मोह तुमको सता रहा है, ये तुमको हो रहा है। तब बैठ करके उनको फिर नॉलेज सुनाया तो कहा इसी से तुम नष्ट मोहा, तुम्हारे विकार छूटेंगे इससे सब जो मैं सुना रहा। तो बाप ने समझाया नहीं कि मेरी नॉलेज, मैं ही शांति का सुख का दाता, और शांति भी कैसे होगी जब ये दुनिया से ये सब अनेक धर्म अनेक राज्य ये सब जाएंगे हा? तब शांति होगी। ये आते 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 बहुत आ, तभी तो ये देखो फ्रिक्शन है ना, ये सब अभी लड़ते झगड़ते सब रहे, यानी सभी धर्म वाले अपना अपना, सब राज्य वाले अपना अपना, इसीलिए तो ये लड़ाई है नहीं, तो इसीलिए कहते ये अभी हद की दुनिया, हद के राज्य बन गए हैं, सब अपना अपना, सब टुकड़े 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 लगा बैठे हैं। तो अभी देखो तत्वों में भी टुकड़े कर दिए हैं, पृथ्वी के भी टुकड़े, पानी के भी टुकड़े, आकाश के भी टुकड़े, सब हद में आ गए है ना। इसलिए बाप कहते हैं ये अभी हद की दुनिया कहाँ तक चलेंगी, इसीलिए अभी एक पृथ्वी एक आकाश तो एक राज एक धर्म, तब फिर संसार सुखी रहे। इसीलिए कहते हैं मैं आकर करके ये जो न थे हा? जब सतयुग था तो इतने धर्म राज ये नहीं थे, ये सब पीछे हुए कॉपर एज से। अभी बाप कहते हैं मैं फिर सतयुग बनाता हूँ अथवा स्वर्ग बनाता हूँ, तो फिर स्वर्ग का एक धर्म एक ही राज रहेगा ना, ये सब न तो इतनी संख्या सब कहाँ जाएंगी, ये सब इतनी आत्माएं इतनी सोल्स कहाँ जाएंगी। इसीलिए कहते अभी शरीरों को तो यहाँ ही नाश होंगे हा? तो डिस्ट्रक्शन में, और फिर आत्माओं को निराकारी दुनिया में जाएंगी, फिर जिसका है बाकी सतयुग में वो फिर प्योर आत्माएं अपना यहाँ सौभाग्य पाएंगी। तो ये सारी आत्माओं की भी फिलोसॉफी और ये संख्या का घटना बढ़ना, ये सब इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं, ये बढ़ती जो है संख्या, इतनी सोल्स कहाँ से आती है, कोई तो इनका स्टॉक होगा ना, कहाँ तो स्टॉक होंगी जहाँ से आती है, तो ये कहाँ स्टॉक है, स्टॉक घर को बैठ करके बाप समझाते हैं कि उनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ से ये निराकारी आत्माएं आती हैं, फिर ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो वो भी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, ऐसे नहीं इनकॉर्पोरियल वन है तो ये ऐसी एक ही चीज है, नहीं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। वर्ल्ड उसी चीज को कहा जाता है दुनिया जिसमें बहुत चीजें हो, तो वो है इनकॉर्पोरियल की वर्ल्ड, यानी निराकारियों की दुनिया। तो निराकारी बहुत है ना, निराकारी एक तो नहीं है ना, तो इसमें ये भी क्वेश्चन नहीं आ जाता है कि भाई आत्माओं से मिलके एक हो जाती तो फिर तो एक निराकारी, फिर तो उसको वर्ल्ड नहीं गए, अंग्रेजी में जो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड माना इनकॉर्पोरियल से बहुत है, निराकारी बहुत, परंतु निराकारी कौन, निराकारी आत्माएं, और परमात्मा भी निराकारी, वो भी तो सोल है ना। तो ये सभी चीजें समझने की, जैसे ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, भाई कॉर्पोरियल मनुष्य तो मनुष्य बहुत है, एक थोड़ी मनुष्य है, फिर इसको वर्ल्ड नहीं तो नहीं कहने, एक हो तो हा? नहीं बहुत है। तो ये सारी चीजों को समझना, इसीलिए बाप कहते हैं तो जितने मनुष्य है इतनी आत्माएं, अभी ये वृद्धि होती है तो इतनी आत्माएं आती कहाँ से है,
तो ये भी सब समझना है ना। जो मरते हैं वो तो जन्म लेते हैं, लेकिन वृद्धि भी होती है, वो तो नहीं तो एक ही अंदाज हो जाए। जो मरे तो जन्म ले, जो मरे तो फिर एक ही संसार, एक ही एक होना चाहिए। फिर तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तो वृद्धि भी होती है ना। तो वृद्धि होती है तो फिर वो कहाँ से, जरूर है ना कि इनका भी कोई निराकारी, आत्माओं का भी कोई स्टॉक स्थान है। क्योंकि आत्मा तो ऐसी नहीं है कि वो कोई अमरती है जन्म की, वो तो गीता में भी है, उनको काटे काटा नहीं जा सकता, उनको जलाए जला नहीं जा, इमॉर्टल है, अविनाशी है। तो वो अविनाशी अनादि है, तो उस अनादि अविनाशी का भी कोई ठिकाना होगा ना, जहाँ से आत्माएं आती हैं। इसीलिए बेहतर करके बाप समझाते हैं निराकारी दुनिया, जहाँ का मैं भी निवासी हूँ, आत्मा भी निवासी है, नंबर वार सब आते हैं। और आकर करके अभी तो सब संख्या उतरती आई है, बाकी भी जो होगी थोड़े समय में आ, ये संख्या बढ़ कर करके इसका फिर एंड, तो एंड आना है। तो इतनी संख्या का एंड ऐसे नहीं थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, ये एकदम से तो फिर नई दुनिया, तो नई दुनिया में तो फिर थोड़ी संख्या ना, तो उसके लिए फिर ये डिस्ट्रक्शन। तो ये सभी चीजों को बेहतर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं ये मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सभी बातों को भी समझना, ये क्या चीज है, ये ऐसी चीज नहीं, ये तो सब हमारा जब पार्ट पूरा है तो मुक्त होना ही है, अनेक जन्मों का फिर आना है, आना भी जरूर है, नहीं तो सर्किल कैसा चलेगा, फिर ये अनादि सृष्टि का चक्कर ठहर जाए, हम नहीं आए, फिर ऐसे नहीं आए, नहीं आए तो फिर तो नहीं आए, तो फिर तो इधर का नहीं, ये भी चलना है। और ये कोई ऐसी नहीं है कि नहीं आना है, लेकिन स्टेज को बनाने के लिए हमको पुरुषार्थ बैठ करके बाप समझाते, इसीलिए कहते हैं अभी मेरी ये मत लियो, ये है श्री मत, श्रेष्ठ मत, तो तुमको श्रेष्ठ बनाने की मत देता हूँ कि तुम श्रेष्ठ कैसे बनो, आओ तो श्रेष्ठ बन के आओ। वो कैसे, वो बैठ के सिखलाए रहे, समझा रहे, उसके लिए ये पुरुषार्थ है। तो ये समझ आ जाती है नहीं, फिर जो बहुतों को ये है नहीं, पुरानी पुरानी विचार बैठे हुए ना, हमको भैया ज्योति ज्योत समाना है, या हम वहाँ जाए जहाँ से लौटे नहीं, क्योंकि दुखी हुए है ना इधर बहुत, इसीलिए उनको ऐसा बैठ गया है कि इधर दुखी है, तो इसलिए वो समझते हैं कि वहाँ बैठे रहेंगे नहीं, न दुख होगा न सुख होगा, अच्छे है इधर। परंतु नहीं, बाप कहते हैं कि नहीं बच्चे, वो दुख और सुख से अलग, जैसे इसको न दुख है न सुख है, इसको क्या है, इसको क्या जड़ को पता है, वो जड़ है ना, तो ये स्टेज हो रही है ना, वैसे आत्मा भी दुख सुख नहीं है, साइलेंस, डेड साइलेंस एकदम। तो उनको भी तो कोई यहाँ न दुख न सुख, तो उसमें कोई बात ही नहीं, कोई वो भी आनंद हो रही है भाई, दुख सुख से न्यारी आनंदित अवस्था है, वो आनंदित भी नहीं है, ना आनंद ना आनंद, वो तो जड़ साइलेंस है। पाठ जब तलक नहीं है तब तलक वेट करती है आत्मा वहाँ, फिर जब टाइम आता है तो फिर टाइम पर उतरती, उतरना जरूर है, पीछे टाइम में उतरना, उसे पहले टाइम में क्यों ना उतरे, जो हम सुख का चांस ले, ये है अकलमंदी। इसीलिए बाप कहती है अकल सीखो तुमको, अगर सुख पाना है और सुख और शांति की जो मैं दुनिया बनाता हूँ उसमें आकर, इसको कहा है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त तो वैसे पीछे भी जो आते हैं, पर तो वो रजोगुणी, इसीलिए तमोगुणी, ये है सतोगुणी, इसीलिए कहा सतोगुणी जीवन मुक्ति को प्राप्त रखने का। तो ये बेहतर करके स्टेज समझा करके अभी कहते इस स्टेज को पाओ, उसके लिए कहा है मन मना भव मध्याजी भव, निरंतर मुझे याद करो तो फिर तुम उसी स्टेज को प्राप्त करेंगे जिसमें सदा सुख है। पीछे तो दुनिया पुरानी होगी ना, पुराने में आएंगे, फिर रोग शुरू हो जाएगा, फिर अकाल मृत्यु शुरू हो जाएगी, फिर ये सभी बातें हो जाएंगी, फिर उसमें आकर करके अकाले मरेंगे, रोगी बनेंगे और ये सब होंगे। तो आओ और रोगी बनो और यही बनो, उसमें क्या है, आओ तो उसमें होने जिसमें अकाले मृत्यु न हो, जब तुमको काल न खा सके, उस लाइफ का भी तो सुख लेना चाहिए ना, कभी रोग न हो, कभी अकाले न मरे, कभी लड़ाई झगड़े न हो, तो वो जो सदा सुख की जीवन है उसी को प्राप्त करो। इसीलिए कहा स्टेटस वो है और उसी के प्राप्त का पुरुषार्थ है, उसका पुरुषार्थ बेहतर करके समझाते हैं कराते हैं। तो इजी बात है नहीं, इसमें कुछ मुझना नहीं, तो सारी अपनी कैसी बनावट है, आत्माओं के लिए क्या है, आत्माओं का पार्ट कैसा भरा हुआ है, उसको भी समझना है, उसके मुताबिक उसमें हमको पुरुषार्थ कर करके, हमारे पुरुषार्थ का भी चांस है हमको, तो हमको वो चांस भी लेना चाहिए कि ये हम करेंगे तो पा सकते हैं, इसीलिए हमको ये करना है, उसका चांस है। तो अभी बाप कहते हैं ये चांस है अभी, तो
तो चांस लेना चाहिए ना। हाँ देखो वो लॉटरी लगाते हैं, हाँ तो चांस लेते हैं कि हाँ भाई हो सकता है अगर मिल जाएंगी तो भैया लाख मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, तो ये भी बड़ी लॉटरी है ना। हाँ तो चांस लेना चाहिए ना, तो लगाना चाहिए दा, तो ये बड़ी लॉटरी है लगती है, तो फिर देखो अब कितना चांस ऊंचा लेते हैं, इसलिए बाप कहते हैं लगाओ। और पुरुषार्थ, इसमें तो पुरुषार्थ की बात है, कोई लक की लक के ऊपर नहीं बैठ जाना, जो किस्मत में होगा, जो तकदीर, फिर तो तकदीर में होगा तो सबके लिए बैठ जाओ ना, फिर तो काम भी नहीं करो, धंधा भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, कहो किस्मत में होगा रोटी मिलेंगी, तो रोटी के लिए क्यों पुरुषार्थ करो, सारा दिन माथा कुटी करते हो, क्यों करते हो, फिर तो सब लक, तो सब लक ना। हाँ फिर क्या ऐसे कमाने के लिए लक की बात नहीं, और इसमें लक क्यों, हाँ ये तो फिर ना, नहीं ये भी तो कमाई है ना, तो इस कमाई के लिए भी पुरुषार्थ रखने का है, बाकी ऐसे नहीं उसके लिए माथा कुटी करने करते हो ना, भले जो किया है कर्म उसका मिलेगा कर्मों के हिसाब से ही, परंतु फिर करते तो ना पुरुषार्थ, ऐसे नहीं बैठ जाना होता है कि अगर किस्मत में होगा रोटी आप ही आएंगी, बैठ के देखो आती है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो करना पड़ता है, तो इसके लिए भी हमको पुरुषार्थ करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से तुम्हारी विजय अवश्य है, कहा है नहीं पुरुषार्थ की विजय, तो इसलिए पुरुषार्थ करना है तब विजय पाएंगे ना, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, तो ये सब बातें अपने बुद्धि में रखनी है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और मेहनत जो है मेहनत भी, कोई ऐसी बातें तो नहीं है जिसके लिए तुमको वहाँ खाने पीने का काम न कर सको, खाना पीना तो जरूरी है ना, इसलिए कहते जो तुम्हारी जरूरी बातें हैं वो खोटी नहीं करता इस काम के लिए, लेकिन ये काम तुम्हारा जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज से मैं काम निकालता, तुम्हारी बुद्धि वेस्टेज जाती है, मैं कहता हूँ मेरे में मन लगाओ, वेस्ट क्यों घुमाते हो, उसकी प्रैक्टिस करो, हाँ कैसा है कि मेरे में मन लगाओ, और कर्म भी जो कुछ है टाइम है तुम्हारा फिर सेवा में लगाओ, तो इससे क्या होगा तुमको फायदा मिलेगा, ये तो इजी बात है ना, इसमें ऐसी भी बात नहीं कहते नहीं शरीर निर्वाह न करो छोड़ के बैठो, हाँ नहीं, हाँ जो ऐसे लायक है जो हाँ समझते हैं कि नहीं इसमें ही अपना करते है, उसका देखो शरीर निर्वाह तो हाँ, फिर कहते हैं इस सेवा से नेचुरल है, हाँ ये है पांडव गवर्नमेंट सर्विस, हाँ परंतु वो भी इतनी बुद्धि चाहिए ना, इतना काम करने वाला चाहिए, हाँ ऐसे तो सबकी एक जैसी बुद्धि तो नहीं होती है ना, इसलिए बाप कहते हैं कि नहीं बच्चे वो तो है ही, बाकी है अपना ये कमाई करना, और इससे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ताकत में ले आते हैं और उससे उच्च कमाई प्राप्त करते हैं, ये भी आजीविका के लिए है ना, इससे हमारी जनरेशन की आजीविका बनती है, देखो हम ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे क्या बनता है, हम सदा सुख के खाते रहेंगे ना, हमारी आजीविका ही तो हम बना रहे हैं ना जनरेशन की सदा सुख की, जिसमें कभी रोग ना, आप लोग भी क्या करते हैं बच्चों का, चलो पालन पोषण ये सब यहाँ वही है ना, अच्छा उनको दुख होगा तकलीफ होगी उसको संभालेंगे, उनके खाने पीने का रखते हो, अपने खाने पीने का रखते हो, हाँ उनको कपड़ा लट्टा, उनको ये सभी उनका सब यही कर रहे हो ना, बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे कपड़े लट्टे खाने पीने सदा सुख का, देखो तुमको हाँ अच्छा मार्ग बतला रहा हूँ, जिसमें कपड़े लटे खाने पीने की तुमको फुकराते न हो, हाँ कपड़े लटे देवताओं के देखो हाँ कैसे है, हाँ खाना पीना उनका हाँ देखो, हाँ वो देवताओं के भोजन देखो, मंदिरों में भी लगाते हैं आजकल, वो आजकल भले इतना नबी हो परंतु नहीं तो देखो जगन्नाथ फलाने इधर श्रीनाथ, हाँ जाओ उधर कितने भोजन, हाँ 36 प्रकार के कुछ भोजन ऐसे ऐसे रखते हैं भगवान, बहुत सुनाते नहीं, हाँ वो तो चक्कर लगाए हुए है सभी ये तीर्थ स्थानों का, तो हाँ वो 36 प्रकार के भोजन बनाते हैं, ये करते हैं वो करते, तो वो जड़ चित्रों के आगे, अभी चैतन्य होंगे तो क्या खाते होंगे, ये तो समझने की बात है, क्या पहनते होंगे, उनके घड़ी घड़ी कपड़े बदलती है वो जड़ चित्रों की, अभी हम बॉम्बे में भी गए थे, वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है बड़ा, उनका अच्छी तरह से कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, उसके रखते हैं मिठाइयाँ और ये सब, फिर जो आते हैं उनको प्रसाद देते हैं ये सब, फिर दुकानदार बेचारे उसका कमाई करते हैं, वो लेते हैं फिर पैसों से देते हैं, वही लगा हुआ पूरा वही जाकर के लगाते हैं, दोनों का भी पुजारियों का काम हो जाता है तो ये सभी तो अभी बिजनेस हो गया है ना, ये तो सभी धंधे के काम हो गए हैं, परंतु असल में तो देखो चैतन्य में जब होंगे तो उनके आगे क्या होगा, तो ये सभी सोच, तो खाने पीने की तो कही, तो ये भी हम आजीविका के लिए बना रहे है, परंतु प्रलब के ताकत से,
इसीलिए हम प्रालब्ध अपनी जोर की बनाते हैं। अभी प्रालब्ध देखो हाँ कुछ हो जाता है, नीचा उचा रोटी का भी मुश्किल आ, देखो दुनिया की स्थिति ऐसी है, भले पैसा भी है तो भी देखो अन्न नहीं मिले न मिले, अगर पैसा हो बहुत भले हीरे पैसा बहुत हो लेकिन आज अन्न नहीं है तो पैसे वाला क्या करेगा। कई ऐसी भी आती है त्वाका, वो पानी की प्यास मनुष्य को ऐसा करती है, वो समझेंगे अभी हीरे वो तो पड़े है लेकिन वो तो एक काम की चीज नहीं, वो अभी पहले पानी खाना जो जीवन के लिए जरूरी है चीजें चले, जैसे जीवन चले ना तो इसमें ये क्या, वो हालतें भी ऐसी भले आज पैसा हो पर तो ऐसे सरकमस्टेंस है डुकर पड़ जाता है जब, यहाँ डुकर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में फैमिन, देखो फैमिन हो जाए ये हो जाए तो फिर क्या है हा? कितना भी पैसा रखा हो और रखा हो तो क्या होगा, पहले तो खाने की चीज है ना ये सभी है, तो ये तो सभी हालतें होने की है, ये फैमिन फ्लड्स ये अर्थक्वेक ये सभी जो नेचुरल सब ये सभी बातें आने की है बड़े फोर्स से, इसीलिए ये सभी बातों को बाप जानते हैं ना, इसीलिए कहते बच्चे जरा अपना खबरदार रहो और अपने को इतना अपने में साहस भी हो अभी के लिए भी, ये सब डिफिकल्टीज आने की है बड़े फोर्स से, तो उसमें अपना भी ये बल चाहिए और फिर फ्यूचर के लिए भी अपना प्रालब्ध ऊंच रखो जो आगे के लिए तुमको ये तकलीफ लेनी न पड़े या तुम्हारे सामने ये तकलीफें आवे नहीं, इसीलिए ऐसी दुनिया का बैठ कर करके अभी बाप पर बंद रख रहा है जिसमें फिर कभी फैमिन फ्लड्स ये सभी बातें रहेंगी नहीं, तो ये सभी बातों को समझ कर करके और बाप से अपना जन्म से अधिकार पाने का पूरा पुरुषार्थ रखो, तो ये है अपने लाइफ के लिए हा? और लाइफ के लिए ही तो सब कुछ है ना, बाकी ऐसे नहीं समझना है कि ये किया न किया हाँ चलो वो तो जरूरी है खाने पीने, ये भी तो खाने पीने का और सदा के खाने पीने की ये साधन है ना, इसी साधन इसी प्रालब्ध के सिवाय तो हमारा खाना पीना भी नहीं होता है, देखो कर्म का कहीं कुछ होते हैं कई ऐसी बातें हो जाती है कहते देखो ये सब कुछ होते भी परंतु इतना दुख ये क्यों, वो समझते नहीं कर्म का है, तो कर्म का भी तो हमारा सारा मदार उन्हीं के ऊपर है, तो हमको अपना कर्म को ऊंच रखना है, वो कैसे उसकी बेहतर करके बाप ये नॉलेज समझा रहे हैं, तो ये सभी बातें अभी अच्छी तरह से हाँ समझते हो ना, तो समझ आपका क्या काम है समझना खाली ऐसे थोड़ी होता है ऐसा ही समझना हा? नहीं समझा है तो अभी करना है, तो अभी क्या करना है उसका पुरुषार्थ रखना है, ठीक है आज तो छुट्टी तो नहीं होगी ना तो क्लास को भी टाइम पर पूरा करना है, परंतु आप लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि अपना चार्ट रखो हा? सारे दिन का अपना देखो अच्छी तरह से, अपने कर्मों की संभाल रखो, अपना याद का भी चार्ट रखो और उसी पर अपना अटेंशन दियो, क्योंकि कमाई है ना इसी से ही तो कमाई है, बाकी वो तो शरीर निर्वाह का काम तो करना ही है वो तो बात ही नहीं, लेकिन उसके करते साथ साथ ये भी चीजें अपने धारणा में लानी है ना, उस सब बातों को भी अटेंशन देना तो खुशी रहेगी इस लाइफ में भी, अपने को खुश समझेंगे और ये आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, महसूस तो आनी चाहिए कि आप लोग फील करते हो कि हमारी लाइफ अभी यह और हो गई हुई है दुनिया वालों से और है, भले है तो दुनिया में ही परंतु लाइफ की यहाँ कोई चिंता कोई फिक्रात कोई कुछ भी हो कोई भी दुख की अभी वो, क्योंकि हम जानते हैं ये सब हमारे पिछले खाते का भले नीचा ऊंचा कुछ आता है और आएगा वो भी, पर तो जानते हैं कि ये हमारे पिछले कर्मों की सब निजाई ऊंचाई है, हमने किए है उसका सामना अभी होता है, लेकिन इन्हीं सभी बातों को भी अभी बनाने का यत्न रखना है ना, तो कहते हैं फिर तुम्हारा वो भी सूली से कांटा हो जाएगा, आनी होगी सूली, सूली समझते हो फांसी है, और फिर वो एक जैसा कांटा लगता है ना यानी कम लगेगा, तो क्योंकि वो खुशी खड़ी होगी ना तो वो भी सूली से कांटा लगेगा यानी भासेगा थोड़ा और आगे के लिए भविष्य भी अच्छा रहेगा, तो अभी अपनी चढ़ती कला समझते हो, अभी आगे चढ़ते जाना है ऊंचा उठते जाना है, तो ऐसी चढ़ती कला को अपना बढ़ाते चलना है, ऐसा पुरुषार्थ रखना है और ऐसे पुरुषार्थ से आगे होकर करके बाप से अपना अधिकार पाना है, अधिकार देने वाला तो अभी है ना, तो इस सभी बातों को समझो हाँ और अपना ध्यान दियो अपने पर अटेंशन। अच्छा दिनों के क्लास का क्या टाइम है, कुछ शायद दूर रहते हैं बेचारे तभी यहाँ।
नहीं तो इनों से पूछ लो, जो इनों को अपना टाइम इजी हो ना वो टाइम रखो, तो सब टाइम पर हो जाए हाजिर और टाइम पर, क्योंकि ये तो समझने की बातें हैं ना, ये तो ऐसा नहीं है खाली जैसे कोई मंदिर में या उनमें गया आगे पीछे गया खाली दर्शन ही करके आना है, ये तो है स्टूडेंट्स को टाइम पर क्लास के लिए टाइम पर, हाँ अगर लेट जाए तो फिर खड़े हो जाए, ऐसा होता है नहीं कहेंगे यहाँ, और तो ये भी कहें जो टाइम सबको सूट करे अच्छा वो टाइम रखो, हाँ पूछ कर करके, कोई कारण होगा कभी बस नहीं मिलती, यहाँ की दिक्कतें भी बहुत है, कभी बस नहीं मिली कभी कुछ है, कोई बेचारे कहाँ रहते हो तो जानते हैं, पर तो फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो उनको सेल्वेशन मिलनी चाहिए, आते हैं तो फिर पूरा बेचारे यहाँ अपना लाभ भी लेवे और फिर अपना पूरा पूरा जो कुछ है डोजा लेकर करके फिर सारा दिन क्या ऐसे मिजाज जो है ना वो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर वो क्योंकि दुनिया की लाइफ देखो कैसी है, मिलते भी ऐसे हैं, साथी भी ऐसे हैं, कहाँ के दिनों के साथ कांटेक्ट होता है तो वो भी है कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो फिर उसमें माइंड जो है वो हो जाती है ऐसी, तो इसमें फिर ये बल है तो उसमें खुश रहेगा और फिर कई ऐसी बातों में चलेगा नहीं, हाँ उसमें गिरेगा नहीं, संभलेगा अच्छी तरह से, तो ये सभी बात अपने पास रखने की है, तो इसीलिए कोई अगर टाइम की दिक्कत हो या आने जाने की तो आप लोगों को उसकी सहूलियत रख सकते हो, बाकी ठीक हो जैसे अगर टाइम ठीक है तो कोई हर्ज नहीं है, हाँ कभी कभी हो जाती है कभी बस का कभी उनका, यहाँ के देखो सब है ही, देखो ये कोई रेगुलर दुनिया थोड़ी है, इरेगुलर है सब काम सब, अभी तत्कादी भी इरेगुलर, हाँ कोई ऑर्डर में आ तो ये तो दुनिया का है ही, परंतु फिर भी जितना अपना बन सके कोई ऐसी हो दिक्कत, क्योंकि कोई अपना सहज मार्ग है ना, कोई हट तो है नहीं, इसीलिए उसमें सहज, बाकी यहाँ रखना है अपना अटेंशन अपनी धारणा अपना पुरुषार्थ अच्छा रखना। अच्छा कैसा आती है सब भाषा समझते, ये जो बैठे हैं सब भाषा समझते हैं, पपैया समझता है भाषा, हिंदी समझते हैं, हाँ भोपालम भी समझते हैं हिंदी भाषा समझते हैं ना ठीक से, ये पुरुषार्थ तो पुरे क्या पुरुषार्थ हम लेना करो वो क्या हो क्या बोल पुरुषार्थ क्या करना है ऐसा, पुरुषार्थ यही करना है कि बाप कहते हैं देखो पहला तो है पांच विकार, विकारों को समझते हो ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच विकार है, अभी हमको पुरुषार्थ में क्या रखना है कि हम उसी पहले पहले तो बाप का रिलेशन पकड़ना है, समझा, पहले हम अपने को समझते थे हम बॉडी है, आप आगे आइए, पहले हम समझते थे हम बॉडी है समझा, अभी अपने को बॉडी नहीं समझना है, भले काम करते हो नहीं अपने ऑफिस में या जहाँ भी आपका काम हो तो आपको क्या ख्याल रखना है कि आई एम सोल, तो ये पुरुषार्थ है हमारे अंदर का, ये अंदर का बाहर से तो कुछ करने का नहीं, नहीं हाथ पांव से अंदर का, तो हमको अपने को क्या समझना है आई एम सोल नॉट बॉडी, तो पहले तो अपने को सोल समझना है, सोल है अभी हम सोल ये हाथों से लिखते हैं, हा? हम आत्मा ये हाथों से लिखवाती हैं, इसको ऑर्डर करते हैं कि लिखो, हाँ ये ऑर्गन्स का आधार, हमको कुछ देखना है हाँ हम आँखों से देखते हैं मुख से बोलते हैं, तो हम जैसे इस ऑर्गन्स का आधार लेकर कर करके जैसे हम पेंसिल हाथ में उठा कर करके भाई हम पेंसिल से काम लेते हैं, हाँ पेन से काम लेते हैं, वैसे ये हमारा हाथ है, हम हाथ नहीं है, आई एम सोल ये हमारा है, हम इससे काम लेते हैं, हैंड से काम लेते हैं, कानों से काम लेते हैं, सब शरीर की जो ऑर्गन्स है उसे काम लेते हैं, तो काम करने के समय हमको ये बुद्धि में रहना चाहिए, ये है पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ बतलाते हैं, तो आई एम सोल लेकिन ये सब ऑर्गन से जो भी काम करते हैं, टांगों से चलते हैं हाथों से, तो हम समझते हैं कि ये हम टांग चलाने वाला मैं आत्मा, तो एक तो ध्यान अपना आत्मा में रखना है, तो आत्मा में रखने से फिर हमको अपना परम आत्मा पिता जो है ना उसका रिलेशन याद रहेगा, तो ये है आत्मा आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि में हर वक्त रखना ये पुरुषार्थ, तो अपने बुद्धि का ध्यान जो है अटेंशन जो है इसी चीज में रखना है,
चलते भी हम चल रहा है टांगों से शरीर को चला रहा हूँ। आई एम सोल चला रहा हूँ, आई एम सोल देख रहा हूँ। तो देखने समय सुनने समय आई एम सोल सुन रहा हूँ। तो अपने बुद्धि में ये कहने का नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कहते, लेकिन घड़ी घड़ी कहना नहीं आई एम सोल सुन रहा हूँ, आई एम सोल कहने की कोई बात नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये हमको अपना बुद्धि में रखना है। इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस वो है बॉडी कॉन्शियस। तो नॉट बॉडी कॉन्शियस बट सोल कॉन्शियस, तो अपने को सोल कॉन्शियस रख कर करके आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल ये बुद्धि में रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्शंस जो चलेंगे ना उसमें हम सेफ रहेंगे, हमसे कभी क्रोध नहीं होगा। इसी धारणा से हमारा क्रोध नहीं, क्यों कि जब हमको क्रोध का कोई बात हमको समझो इसने दो गाली दी हा? तो हमारे ध्यान में क्या होगा, हम सोल कॉन्शियस होंगे ना, तो ये भी तो आत्मा है हा? ये भी तो आत्मा ही है ना, हम आत्मा है तो ये नहीं है क्या, ये भी आत्मा, ये भी बुद्धि में आएगा ना कि ये सब सोल्स है तो ये भी आत्मा है, परंतु इस आत्मा बिचारी को ये ज्ञान नहीं है कि आई एम सोल, तो इसको ज्ञान न होने के कारण ये क्रोध करता है, हमको गाली देता है हा? परंतु हम गाली में बॉडी कॉन्शियस होकर के इसने ऐसे कहा है तो ठहरो हम दो का चार देंगे, नहीं हा? ये नहीं आएगा हमको, क्या आएगा कि ये बिचारा बिचारा हाँ आएगा, बेचारे को नॉलेज नहीं है, हमारा काम है इसकी हानि होती है इससे हा? ये देखो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण इसकी हानि होती है, हमको हानि का पता है ना, ये नुकसान कर रहा है, तो इनको हमको क्या है इसको सोल कॉन्शियस बनाना है। तो हम इसको भी बाप से साथ इसका रिलेशन और तुम आत्मा और ये बता दे तो बेचारे कर्म अच्छे करे, नहीं तो देखो ये क्रोध में आकर के अपनी हानि कर रहा है, यहाँ गाली देता है, इससे इसे विक्रम बनते हैं। तो हमको ये नॉलेज है ना, तो इसी के आधार हमको तरस पड़ेगा, किसकी हानि दे करके तरस पड़ता है, नहीं भाई ये अपना आप ही अपनी हानि कर रहा है, जैसे किसको अपने को हानि करे तो नहीं उसके ऊपर तरस पड़ेगा, अरे डुबो रहा है अपने को अभी जरा डुबोता है, डुबो बचाए 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 ऐसा आएगा ना, तो ये भी हम समझते डुबो रहा है अपने को हा? तो हमारे को क्या आएगा कि नहीं इसको बचाए, तो हमको तरस पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा इसने दो गाली दिए तो हम भी गाली दें, नहीं तो क्या होगा चेंज हो जाएंगी माइंड चेंज हो जाएंगी, इससे चेंज हो जाएंगे हम क्रोध से काम न लेकर के उसके प्रेम से काम लेकर के उसको भी बनाएंगे। हाँ बाकी कहाँ हमको जरूरत पड़े कि नहीं इस आदमी या कोई ऐसी कई बातें भी होती हैं, देखो बच्चा है छोटा है नहीं समझते हैं भाई बच्चे है उनको किस तरह वो थोड़ी इतना ज्ञान समझेगा, यहाँ सभी है तो हाँ बच्चे को जरा मूड से हा? वो तो जैसे एक्टर्स होते है ना बार बार से मूड बना कर कर करके तो अंदर से तो उसको फीलिंग नहीं होती है ना, अंदर नहीं होगा वो बाहर से जैसे एक्टिंग, तो वो कहाँ हमको काम चलाने के लिए हाँ वो तो उसी तरीके से, बाकी अपनी माइंड जो है ना वो सेफ रखने तो वो हमारा रहने से ये पुरुषार्थ है, अंदर क्या करना है अंदर का पुरुषार्थ है, तो ये पुरुषार्थ रखने से हमारे एक्शंस जो है ना वो राइटियस रहेंगे, रॉन्ग नहीं होंगे, राइटियस एक्शंस रहेंगे जिससे हमारे कर्म क्या है श्रेष्ठ बनेगा। और बाप की याद वो भी अपने हर वक्त कि हम उनकी संतान है, तो उनकी संतान तो जैसा बाप वैसे हमको भी क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए ना, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े खानदानी बच्चा हो और उसका बाप कोई पोजीशन वाला हो तो उसको ध्यान तो रहेगा ना कि हमारा फादर बड़ा मिनिस्टर है, हमारा फादर बड़ा है, हम जो काम करेगा तो सन शोज फादर, इसलिए बाप के ऊपर कलंक लगेगा, तो हमको कोई ऐसा रॉन्ग काम नहीं करना है जो हमारे बाप के ऊपर गिलानी पड़े, तो ध्यान रखेगा, तो हमको हर तरह से अपने एक्शन का ध्यान रखना है। इसी से क्या होगा कि हमारे कर्म अच्छे रहेंगे और हमको जो पाप किए हुए हैं पिछले भी उसके ऊपर भी बल मिलेगा, वो भी हमारे दगद रहेंगे, और इसी चलने से हम सदा अपने हैप्पी लाइफ भी रहेगी, क्योंकि कभी कुछ रहेगा कोई मरेगा ना तो भी हम समझेंगे आत्मा बेचारी एक शरीर छोड़ा अब दूसरा लिया कर्म से, तो उसका हमको उसी तरीके से दुख ना होगा, अगर दुख होता है तो यही होगा बेचारा देखो कुछ अपना बना के नहीं गया हाँ, उसको हमको हमारा काम है उसको रोशनी दे करके कुछ बनाना, तो अगर होता है तो बेचारे ऐसे ही चले गए देखो कुछ बनाया नहीं अपना कर्म का खाता जो उल्टा किया या जो किया वो ही ले गया, तो हमारा अभी दूसरे के ऊपर तरस और दूसरे के ऊपर हम उसके हितकारी इसी में रहेंगे कि उसको राइट रास्ता दे, तो ये है अपनी और अपने भी एक्शंस को ठीक रखना, ये अपना अटेंशन रखना उसी पुरुषार्थ में चलना, बाकी कोई हाथ से कुछ करना है माला सिमरनी है ना कोई आसन कोई बाहर से पुरुषार्थ की कुछ नहीं।
बाकी याद याद रखना है, इसीलिए ने जो कहा दो बातें, बी प्योर एंड बी योगी। प्योर रखना है अपने को और अपने एक्शंस को, और फिर याद रखना है बाप को। ये है दो बातें जिसको अपने में धारण करना है और उसकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ उसी पर चलानी है। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो जरूरी एक्शंस है और राइट एक्शंस है वो चलेंगे, रॉन्ग निकल जाएंगे, फिर हमारी सेफ्टी होती जाएंगी। और हम सेफ होते हैं तो फिर दूसरों को भी सेफ करेंगे, फिर हमारी सेवा कौन सी चलेगी, हमको आएगा। हम अगर समझते हैं ये गिरता है, ये मरता है, ये बेचारा अपना हानि कर रहा है, तो हमारे दिल में जरूर आएगा इनको भी बचाए। तो ऑटोमेटिक हमारी फिर दूसरे को भी ऐसा बनाना, उसको भी सावधान करना कि नहीं तुम भी आत्मा हो, अपने पिता को याद करो, ये चलेगा। उसको भी रास्ता बतलाना, अगर हम किसी रास्ते पर लगे हैं और हम समझेंगे कि नहीं ये बेचारा उल्टा जा रहा है, तो आएगा ना दिल में, तो इसको भी रास्ते पर लगा, ये इधर रास्ता है, इधर नहीं तो उल्टा जा रहा है, जहाँ तुमको जाना वो जाना का रास्ता ये नहीं है, तो उल्टा जा रहा है, उसको रास्ता देना तो आएगा, तो फिर हमारी सेवा वो ही चलेगी। नहीं तो आप लोगों से हमारी क्या पड़ी है, हम जानते हैं आपको, हाँ कोई रिलेशन तो नहीं है ना, लेकिन अभी आत्मा का रिलेशन है, इसीलिए तरस पड़ता है कि ये बेचारे आत्मा है। इस चीज को समझ कर करके अपनी लाइफ ये भी हैप्पी बनाए और सदा के लिए अपने जनरेशन भी ऊंचे करे, तो उसी के लिए। और अभी ये भी जानते हैं कि भी टाइम भी बराबर खराब आ रहा है, दुनिया की हालतें अब दिन अब दिन बहुत खराब आने की है। ये जानते हैं कि गॉड के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अभी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सारा पता चला है, ये अभी वर्ल्ड का एंड का टाइम है, इसीलिए अभी हमें क्या करना चाहिए उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हालतें बड़े सीरियस आएंगी। इसी समय हमको अपना अपने को भी ठीक रखना और फिर हमारा फिर भविष्य बने अच्छी तरह से, अंतमते सोगते, ऐसी अपनी अवस्था को बनाना। तो ये सभी अपना ध्यान रखने का बात, बाकी तो अपना शरीर निर्वाह का काम करना है, बच्चे है, बच्चों को संभालना है। जो बच्चे भी इसी राह में चले हैं उसी को भी अपने पवित्रता और उसी बातों पर चलाना है, न चले तो जिस रास्ते चलना चाहे चलाओ, उसमें क्या जो करेगा सो पाएगा। लेकिन हमारा काम तो है ना, यहाँ हम देखते हैं ये गिरना है, ये मरने की चीज है, तो उसको बचाना तो हमारा काम है। कोई गिरता रहे हम देखें तो कहे भले गिरे, हाँ नहीं, कोशिश करना अपना धर्म है। बाकी कोई यहाँ कहे नहीं हम गिरेंगे ही, तो कहो गिरेंगे तो गिरे फिर क्या करेंगे, हाँ बाकी कोशिश करना तो अपना धर्म है। तो फिर ये सब चीज चलती है, इनको करा ये पुरुषार्थ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये है ना कर्म, कर्म अच्छे का मतलब ये ही है ना, इसी से फिर हम सदा काल का सुख को अपना भी बनाते हैं, दूसरों का भी बनाते हैं। तो ये ऐसी बाकी याद रखना है, इसीलिए ये सब अभ्यास फिर इसी के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि सारा दिन आप लोग काम धंधे में रहते हो, बुद्धि उसमें रहती है, इसीलिए आप लोगों को रोज का ये लेसन इससे रिमाइंड मिलती है ना, बुद्धि में घड़ी घड़ी रिमाइंड किया जाता है, जैसे कोई चीज याद कराई जाती है ना, भाई याद है तो रिमाइंड हाँ रखते हैं ना, तो ये भी जैसे आप लोगों को रिमाइंड कराया जाता है। आते हो तो ये डोज मिलने से बुद्धि रिफ्रेश रहती है, अगर आप 10 रोज नहीं आकर के देखो तो ये सारा नशा उधर जाएगा। हाँ ये देख लो आप थोड़ा एक हफ्ता ना आओ इधर, फिर देखो क्या हाल हो जाता है, वो जैसे खाली 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 गालिया, वो नेचुरल है एटमोसफियर जो है बाहर का, उसी का वातावरण, वो सब बातें फिर वो सब खत्म कर देती है। अगर इसी वातावरण में रोज का थोड़ा ये मिलता है तो इस वातावरण का फिर सारा दिन नशा रहता है कि आज हमने ये सुना, ये बात ऐसी है, तो मक्खन भी बुद्धि में तो राइटियस तरफ बुद्धि रहेंगी, नहीं तो फालतू बुद्धि काम करती रहेंगी, फिर पता नहीं फालतू फालतू संगल, नहीं बुद्धि को ये वर्क मिलता है, काम चाहिए ना उनको, उनको भी राइटियस काम चाहिए, उसको राइटियस काम नहीं होगा तो राम उस दिन वो जो टपलटे चलाती रहेंगी बुद्धि में। तो मन वचन जिसको कहा जाता है थॉट और वर्ड और डीड, हाँ ऐसे कहते नहीं, तो थॉट वर्ड और डीड ये तीनों को स्वच्छ बनाना, तो थॉट को परमात्मा के साथ लगाना है और उसके इसी विचारों में जो ये सुना रहे हैं, और वर्ड हाँ वर्ड भी उसके जो अभी वो वर्ड सुना रहे हैं ना वो सुनाना है, हाँ उसी में अपना, बाकी काम का तो करना ही है, धंधा दौड़ी है उसका तो बोलना ही है ना, जो जरूरी है वो तो करना है, बाकी कोई अनुचित तो नहीं बोलना है। आगे तो अनुचित तो बोल देते थे, डोंग बोल देते थे, गाली या कोई अनुचित तो कैसी भी बातें कह देते, अभी समझ से इसीलिए तो थॉट वर्ड और डीड अपना एक्शन सभी सभी के ऊपर पूरा अटेंशन देना। अटेंशन आएगा जब हम वो याद रखेंगे, आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल फर्स्ट, इसी को याद रखना, समझा, ये है पुरुषार्थ।
तो अंदर का है ना, बाकी बाहर से तो कुछ करने की नहीं, बाहर से तो काम काज जो भी है और हाँ यही अपना, फिर बाकी टाइम बचता है तो यही लिखना है, आर्टिकल लिखो दूसरे दुनिया को भी रोशनी देने के लिए, ये करो वो करो, जैसा जिसका दिमाग है जितना काम कर सकते हो उसी तरीके से करो, कुछ दिमाग है तो लिखो, लिखत से उसको समझाओ, कई तरीकों से हम सेवा कर सकते है, तो करो। तो ये है सब। अच्छा थोड़ी दियो अभी। अच्छा आप कौन है आ? जो दाना में आ पवित्रता को अपनाया है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ को पवित्र रखने का चल रही है, तो जो पवित्र रहते हैं उन्हीं के हाथ है यहाँ खाना है, और पवित्रता में रह कर कर करके पकाना है खाना, तो उसका बल मिलता है ना, ताकत मिलती है। हाँ कैसा है परमधाम, परमधाम में रहते हो ना? हाँ ये तो युगल है जोड़ी है। आओ। अच्छा ऐसा बाप दादा, दादा को जानते हो ना अभी, बाप दादा और माँ भी मीठे मीठे, तो सब कुछ बच्चों से क्या।